और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की, राजधानी भोपाल में सड़क पर दौड़ रही सिटी बस में एक बार फिर से पत्थर फेंके गए। और डंडे से फ्रंट कांच तोड़ने का मामला सामने आया है। होशंगाबाद रोड पर मसरोद सतलापुर के पास कुछ लोगों ने कार आगे लगाकर सिटी बस को रोक दिया। तभी रोड क्रॉस करके एक शख्स ने बस के सामने वाला कांच तोड़ दिया और दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे सवारियां दहशत में आ गईं। दरअसल सिटी बस को रोकने वाले ये लोग मिनी बस के ड्राइवर और बस कंडक्टर हैं, जिनका टाइमिंग को लेकर टाइम चेकर से विवाद हो गया। इन्होंने सिटी बस के ड्राइवर कंडक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल इस मामले में थाने में केस दर्ज कराया गया है। यूपी में गुरुवार को निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ। एटा भी वोट डाले गए और लेकिन इस दौरान एक बूथ पर बवाल हो गया। तस्वीरें एटा के अलीगंज नगर पालिका की है, जहां अंबेडकर मूर्ति पार्क पर बने पोलिंग बूथ पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर फेंक कर माहौल खराब करने की कोशिश की। घटना 5:50 के आसपास की है, यानी वोटिंग लगभग होने वाली थी। तभी कुछ लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि खुद एसडीएम और सीओ ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। इसके बाद सभी पोलिंग पार्टियों को पूरी सुरक्षा के साथ रवाना कर दिया गया। यूपी के हरदोई में गर्रा नदी की कछार से निकला तेंदुआ आबादी में पहुंच गया और कई लोगों पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। इससे गांवों में दहशत लाजमी है। गांव में बेखौफ घूम रहे तेंदुए से पूरा मुरैली कठिरियान गांव खौफ में है। बताया जा रहा है गांव में घुसने से पहले खेत की रखवाली कर रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें दो किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं तेंदुआ गांव के अंदर आ गया और एक घर में घुस गया, जिससे गांव के लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, हालांकि वो हाथ नहीं आया। फिलहाल लोगों को अलर्ट के लिए कहा गया है। पंजाब के मोहाली में चोरों ने भगवान के घर को भी निशाना बना लिया। फेज 9 मंदिर से 2.25 किलो चांदी चोरी कर ली गई। नकाबपोश दो लोग सामने आ रहे हैं, एक ने हेलमेट पहना है और दूसरे ने कैप लगा रखा है। पहले ये दोनों गेट के अंदर झांकते हैं, फिर दीवार लांघकर अंदर घुस गए। हुलिया देखकर अंदाजा लगाया गया होगा कि ये दोनों वही चोर हैं जिन्होंने फेज 9 मंदिर में चोरी को अंजाम दिया। कैसे हुआ ये सब वो भी देखिए। एक चोर अंदर घुसता है, दूसरा बाहर खड़े होकर पहरा देता है। तभी ये लोग शिवलिंग पर लगी 2.25 किलो चांदी लेकर फरार हो जाते हैं। शिकायत मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। यूपी के रायबरेली में एक चोर की भीषण गर्मी में घंटों तक रस्सी बांधकर उसे पिटाई की गई। उसे घंटों तक रखा गया, जब पुलिस पहुंची तब उसे छुड़ाया गया। रस्सी से बंधे इस लड़के पर आरोप है कि वो सर्राफा कारोबारी महेश सोनी के घर में चोरी की नियत से घुसा था। महेश की माने तो खटपट की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में जाकर देखा तो रवि जेवरात से भरे बैग से चोरी कर रहा था। तभी उसने रवि को दबोचकर शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने रवि को रस्सी से बांधकर पहले पूछताछ की और फिर उसकी पिटाई भी की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे छुड़ाकर हिरासत में लिया। मामला गुरवक्ष थाना इलाके के कोरीहर गाँव का है। रायबरेली में चोरी करने से पहले ही लड़के को पकड़ लिया, तो वहीं सहारनपुर में एक चोर ज्वेलर की दुकान में चोरी करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सहारनपुर के खलासी लाइन इलाके में एक चोर ज्वेलर्स की दुकान में रखे सामान को दिन दहाड़े लेकर फरार हो गया, जिसको अभी आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं। कितने आराम से ये चोर बैग निकालता है और लेकर 9:50 हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही ज्वेलर्स ने दुकान खोली और वो पानी लेने गया, इतने में चोर ने हाथ साफ कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले से घात लगाए बैठा हो। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मॉल में दी केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुंचे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। जबलपुर के एक मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की पिटाई होने लगी। यह युवक द केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुंचा था, लेकिन यहां कुछ लोगों ने घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम
किंग्स परिवार की तरफ से फिल्म देखने के लिए पहुंचे थे। ये लड़का भी इसी ग्रुप में शामिल था, लेकिन धक्का मुक्की के आरोप में कुछ लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। जैसे ही वहां मौजूद दूसरे लोगों ने ये देखा तो बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। यूपी के बहराइच से वकीलों की गुंडागर्दी सामने आई है। तहसील में पेशी पर आए मुवक्किल की वकीलों ने पिटाई कर दी। हरी शर्ट पहने ये शख्स जो टेबल पर लेटा है, यही वो मुवक्किल है जिसको कई वकील मिलकर पीट रहे हैं। उसे बचाने के लिए सीओ साहब भी ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन कोई वकील उसकी सुन नहीं रहा है। मामला नानपारा तहसील का है, जहां ये शख्स किसी मामले में पेशी के लिए आया था। इसी पर उसकी एक वकील से बहस हो गई। कुछ ही मिनट में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। सभी इकट्ठे हो गए और शख्स को जमकर पीट दिया। मौके पर पहुंचे सीओ साहब और सिपाही ने किसी तरह उसकी जान बचाई। बिहार के गोपालगंज में एक महिला ने अपने पति की बेरहमी से पिटाई कर दी और इस घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। अपने शख्स का कॉलर पकड़े दिखाई दे रही इस महिला का आरोप है कि शादी के बाद एक बेटी होने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया और अपनी भाभी के साथ रहने लगा। दरअसल इस केस की तारीख पर महिला कोर्ट पहुंची थी, तभी उसका पति उसे देखकर भागने लगा। ऐसे में महिला ने पति को पकड़ लिया और पीट दिया। इस दौरान ही महिला ने लोगों को बताया कि पति का अपनी भाभी के साथ अफेयर है, इसलिए हमने छोड़ दिया। बेटी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है और ये कोई खर्च नहीं देता। बिहार के भागलपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान घर के लोगों ने जमकर बवाल काटा। तस्वीरें भागलपुर के खरमनचक की हैं, जहां हजरत घोड़ा शाह रहमतुल्लाह मजार के पीछे रह रहे शख्स के घर को तोड़कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दरअसल मोहम्मद सरवर ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर घर बना रखा था। ऐसे में वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन लोगों का आरोप है कि पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के कहने पर घर को तोड़ा गया। मौके पर पहुंचे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यहां अतिक्रमण था और बगैर परमिशन के घर बनाया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में एक बिल्डिंग भरभराकर ढह गई। 5 लोग मलबे में दब गए, हालांकि राहत और बचाव दल के कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में गुरुवार शाम 3 मंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में 5 लोग दब गए, जिनको फायर फाइटर्स ने वक्त रहते सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 23 लोग पहले ही निकाले जा चुके थे। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग 50 साल पुरानी थी और इसे पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका था। ज्यादातर लोग यहां से घर खाली करके जा चुके थे, लेकिन कुछ परिवार अब भी इन जर्जर फ्लैट्स में रह रहे थे। Z News.